आइए देखते हैं विश्व की सबसे अद्वितीय गाय कामधेनु जो मनोहर गौशाला खैरागढ़ में विराजमान है। क्यों है ये कामधेनु और क्या है खासियत इसमें, ये हमारे साथ में जो मीडिया के भैया लोग आए हैं इनका बहुत अभिनंदन। ये कामधेनु इसलिए है क्योंकि कामधेनु की प्रथम विशिष्टता होती है कि वो अपने नेत्र से अमृत की धारा लगातार बहाती है, और सेकेंडरी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उसकी पूंछ जो है वो धरती माता को स्पर्श होनी चाहिए। यह दो विशिष्टता होने के बाद ही वो कामधेनु कहलाती है। किंतु मनोहर गौशाला खैरागढ़ की ये कामधेनु 27 लक्षणों से विलक्षण है, विश्व में एक ही है, इसलिए आप सभी आइए और इसके विलक्षण जो गुण है उसके दर्शन करिए। उसके विलक्षण गुणों में सर्वाधिक जो प्रचलित है उसमें जो उसके पीछे के पैर में कमल की जो दंडी बनी है वो है, और चारों पैर में गणपति भगवान के दांत बने हुए हैं जो एक पूरा है और एक आधा है, जिसे देखकर आपको लगेगा मैं साक्षात उस द्वापर युग में पहुंचकर श्री कृष्ण भगवान के युग में आकर यह दर्शन कर रहा हूं। और विशेष रूप से इसकी जो पीठिका है वह चंद्राकार है, जो दूज का चांद हम देखते हैं जो चंद्राकार होता है, सिद्ध शिला जिसे कहा जाता है वैसा है। आप आइए, चारों पैर में वेद का निशान बना हुआ है, चारों वेद के निशान बने हुए हैं, चारों पैर में काल भैरव बना हुआ है, और इस जब ये चलती है तो हाथी की तरह चलती, गजगामिनी की तरह चलती है, ये इसके गुण है। और बहुत सारे विलक्षण गुणों के साथ में यह वहाँ पर विद्यमान है। ये आप आइए देखिए समझिए और इस नवरात्रि में जगदम्बे का साक्षात दर्शन करने का लाभ प्राप्त कीजिए। भैया जी को अभी डॉक्टर की उपाधि भी मिला है, तो सबसे पहले भैया बहुत बहुत बधाई हो आपको, डॉक्टर की उपाधि मिला है, किस क्षेत्र में मिला है? भैया देखो, सबसे पहले तो ये सीजी लीव के जो सुभाष चंद्रा है ना, इनको बधाई है। उसका रीजन बताता हूँ, जो चंद्रमणि और पद्म की जो अद्वितीय कहानी जिसे दुनिया ने देखा, वायरल हुई, और ये जो प्रश्न पूछे उसका उत्तर भी आपको इसमें मिल जाएगा पीएचडी का, तो जो वायरल हुई उसमें 47 करोड़ लोगों ने इसको व्यू किया। 47 करोड़ जो पूरे दुनिया में लोगों ने उसको व्यू किया, उसमें अकेले इस सुभाष चंद्रा ने सीजी लाइव में 96.4 मिलियन यानी 9,60,00,000 लोगों को दिखाया। हाँ, सही बोल रहे हैं। तो ये एक अपने आप में अद्वितीय पल है, और चंद्रमणि कोई सामान्य गौ माता नहीं है, साक्षात जगदम्बा है, जिसने मुझे पीएचडी दिला दिया, अगर ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं है। इनके प्रश्न का उत्तर मैं आपको देता हूँ। और पीएचडी भी जो दिलाया वो साउथ अमेरिकन पीस यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से, और वो मोस्ट पॉपुलर वायरल होने के कारण उन्होंने हमें चुना, गौ सेवा के क्षेत्र में हमने जो रिसर्च किया उसके कारण चुना, और ये दो क्षेत्र का मानद रूप से उन्होंने हमें यह अलंकरण दिया है। तो आपकी बधाई तो स्वीकार करता हूँ, आपको भी मैं बधाई देता हूँ। आपके माध्यम से 96 मिलियन से भी अधिक लोगों ने चंद्रमणि को देखा है, और जिन्होंने देखा है उसको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वास्तविक रूप में गौ आधारित जीवन जीना, गौ आधारित स्नेह कैसा होता है और गाय माता होती क्या है, ये चंद्रमणि ने हम सबको बताया, और आपने इस दुनिया को उसको वायरल कराया। पूरी न्यूज़ टीम को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार करता हूँ।